गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म डेवलपमेंट, एज यू नो द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय देम। कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या चेंजेस आए टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड में हम देखते हैं एक डिफरेंट टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं। इस चेंजेस का जो ये प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठाकर देखें तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ले, अगर अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को ले तो देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द physical environment, but as we developed, as the process going on, the human being gains to interact with their physical environment. When they are interacting with their physical environment, many new things came on. अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। अब लेकिन ये जो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है दैट इज लार्जली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। अब ये जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट का, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सब किया था कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, तो हम केव्स में रहते थे, जो हमें नेचर देती थी हम वो सब चीजें खा लेते थे। सो देयर वाज अ वेरी लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लगा, हमने सेटल होना शुरू किया। उसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। एग्रीकल्चर करके हम जो है हमने फूड ग्रो करना शुरू किया। जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, उस फूड को हमने पकाकर खाना भी शुरू किया। व्हील का इन्वेंशन हुआ तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जब हम एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की। कि किस तरीके से फूड ग्रो किया जाएगा उसकी टेक्नोलॉजी तो हमें पता होनी चाहिए ना। व्हील इन्वेंट कर लिया, व्हील इन्वेंट के पीछे भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी तो है कि एक राउंड सर्कल है, अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा कि वो फास्टली मूव करेगा अलोंग द स्लोप। तो इट मीन्स यहाँ पर सारी चीजें जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी। हायर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हायर द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर जो है मेन जो रोल है दैट वाज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। नो डाउट दैट इंक्रीज द पेस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। इन्होंने ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। पहले तो हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन मेन ही नहीं थे, जब हमने इनका इन्वेंशन किया हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई, इंस्टीट्यूट हमने बनाए। अब उसके साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि हम लैंड पर ही नहीं, वाटर में एयर ट्रांसपोर्ट्स भी हमने डेवलप कर लिए। तो इट मीन्स हमारा जो इंटरेक्शन है वो एनवायरमेंट के साथ डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले सिर्फ हम वुड का यूज करते थे अपने घर में फायरवुड के रूप में, यानी चूल्हा जलाने के रूप में उस वुड का यूज किया जाता था। लेकिन आज जो है वुड का हम मल्टीपर्पज यूज करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं हम इससे, और भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनसे हम मेडिसिंस लेते हैं, मेडिसिंस भी हम लार्ज स्केल पर करने लगे हैं। तो इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन है वो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे ये चीजें इंक्रीज होंगी तो इससे क्या होगा कि ये चीजें जो है इन रिटर्न हैज एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब हमारा इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो इससे हमारी प्रोग्रेस होगी, टेक्नोलॉजिकल हमारी प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो रही है, हमारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो डे बाय डे बहुत ही एक्सेलरेटेड रेट से इंक्रीज हो रहा है। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं टू प्रोग्रेस और फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इट मीन्स डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट एंड सिग्निफाइज
पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अब हमने ये एक किया था कि जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब एक बार हम प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर हमने वहां पर स्टेप बैक कर लिया, हम रिवर्स में आ गए, दैट विल नॉट बी कॉल्ड डेवलपमेंट। तो इट मीन्स जो डेवलपमेंट है दैट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसमें हम कभी भी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आते। एक बार जब हम हायर टेक्नोलॉजी पर चले गए तो हम वापस नहीं आएंगे। अब आपके घरों में जैसे आप खाना बनाते हैं, पहले के लोग जो है घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाकर खाना बनाते थे, है ना। आज भी कई ट्राइबल कास्ट में आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने गैस चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। अब आप गैस स्टोव पर अपना खाना बनाते हैं। क्या ये तो हो गया डेवलपमेंट कि हम एक स्टेप आगे गए, लेकिन अगर हम गैस स्टोव से दोबारा से उन मिट्टी के चूल्हों पर आ जाते हैं दैट विल बी कॉल्ड डेवलपमेंट? नो, नॉट एट ऑल। तो इट मीन्स कभी भी हम रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएंगे। इकोनॉमी जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं होगी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसी तरह से इकोनॉमी है, चाहे सोसाइटी है, चाहे एनवायरमेंट है, वो कभी भी रिवर्स सिचुएशन में नहीं आएगा। डेवलपमेंट मीन्स द स्टेप इन, आगे बढ़ना पॉजिटिव वे में। क्लियर? सो जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है, स्टैटिक नहीं है। पहले धीरे धीरे जो है हमारे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स थे, जैसे कि ब्लॉक कार्स वगैरह थे, फिर कार्स जो है वो बनी, फिर अब जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ, अब एरोप्लेन्स भी हैं। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि डे बाय डे हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इट कांट बी स्टैटिक। पहले आपके लैंडलाइन फोन थे, अब मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, है ना। अब पहले जो है लेटर्स भेजे जाते थे, अब ईमेल यूज करते हैं। तो इट मींस क्या हो रहा है कि ये आपका ये जो डेवलपमेंट है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, जो एवर चेंजिंग है, जो चेंज होता रहता है। तो इट मीन्स जो इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज सिनोनिम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और एज पर कैपिटा और इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरिया तक तब तक हम क्या समझते थे कि डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक ग्रोथ के सिमिलर लेके चलते थे। कि कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो कैसे पता लगेगा? उसके जीएनपी से, कि एक ईयर में उस कंट्री की इनकम कितनी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कितना है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है या पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है, उससे हम देखते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ से ही हम कहते थे कि अगर ये इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन हम तभी बढ़ाएंगे जब हमारी इनकम बढ़ेगी। तो इट मीन्स अगर ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो कंट्री डेवलप कर रहा है। तो इट मीन्स हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स हाई डेवलपमेंट, ठीक। बट यहाँ पर हमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है कि पर कैपिटा या कंजम्पशन या इनकम इंक्रीज हो सकता है, जीएनपी इंक्रीज हो सकता है, बट हमें उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिससे कि जो रिच एरियाज हैं या रिच लोग हैं या रिच कंट्रीज हैं, दे बिकम रिचर्स एंड द पुअर बिकम्स अ पुअरर। सो पॉवर्टी जो है दैट वॉज वाइडली स्प्रेड ड्यू टू दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें वेल्थ का देखने को मिलता है। इसलिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिमिलर वे में नहीं ले सकते, क्योंकि जो वेल्थ है दैट इज एक्युमुलेटेड इन द फ्यू हैंड्स ऑफ सम पीपल। सो इन द 1970s द फ्रेजेस सच एज रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए 1970s में जो है ग्रोथ है उसको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि जो हमारी वेल्थ है वो दैट मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी को भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। डेवलपमेंट कोई कंट्री तभी करेगा जब उसका हर एक सेक्शन इक्वली डेवलप होगा। तो यहाँ पर इसलिए 1970s में ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट।
बट इट वॉज रियलाइज दैट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक स्फीयर अलोन. अब आपके पास इनकम है लेकिन आपके घर में कोई भी फैसिलिटी नहीं है. आप जैसे पहले रह रहे थे, अगर आप पहले चार पाई पे सो रहे थे, आज भी सो रहे, इनकम आप लोगों की बढ़ गई. ठीक है, इसी तरीके से पहले भी आपके घर में कूलर से या पंखा से सिर्फ फैन थे, तो आज भी आपके घर में वही है. यानी कोई और फैसिलिटी आपकी नहीं बढ़ी. आपके पेरेंट्स आपको पहले भी स्कूल भेज नहीं सकते थे और आज भी इनकम बढ़ने के बाद भी स्कूल नहीं भेज रहे, तो क्या आप उस चीज को डेवलपमेंट कहेंगे? दैट विल बी ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ गए हैं. लेकिन क्या एज ए ह्यूमन बींग आपकी डेवलपमेंट हुई? जो चीजें आपको जो बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिली? जब तक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं होता, ह्यूमन बींग्स की वेलबींग नहीं देखी जाती, वो इम्प्रूव नहीं होता, हेल्थ एजुकेशन ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता, हमें अपने फ्यूचर के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं मिलते, तब तक हम उसे डेवलपमेंट नहीं कह सकते. एक पर्सन या एक कंट्री तभी डेवलप कहलाता है व्हेन देयर इज अ इम्प्रूविंग इन द वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड दे अवेल द हेल्थ एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स. सो बाय द 1980s डेवलपमेंट अमर्ज एज अ कंसेप्ट encapsulating widespread improvement in social as well as material well-being of all in a society. इसलिए 1980 में development को एक ऐसा concept माना गया जिसमें कि लोगों की social as well as material जो life है वो दोनों ही उनकी क्या होनी चाहिए, develop होनी चाहिए, उसमें भी increase होना चाहिए. Now this is all about the development. Ki actually development kya hai? Development is not associated only with the economic growth or with the income. There must be some other concept included in the development also, that like health, education and access to resources. Clear? Now अब ये चीजें जब हम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो नो डाउट कि हम रिसोर्सेज को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं. नाउ कम टू द मेन एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, डे बाय डे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो वहां से एक कंसेप्ट आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो यहाँ पर लोग जो है आज के टाइम में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे एम्फेसिस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्टली 1960s में वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस टर्म पर एम्फेसिस डाला. इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरनमेंट. अब जब हम डेवलप करेंगे, हमारे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगी, नो डाउट कि कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट से निकलकर डेवलपिंग स्टेट में जाएंगे, डेवलप्ड स्टेट में जाएंगे, एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगे. जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगे तो वी विल यूज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड दे मेक द एनवायरमेंट पॉल्यूटेड. तो जैसे जैसे हम रिसोर्सेज, दो तरीके से यहाँ पर इफेक्ट आया हमारा, एक तो पॉल्यूशन हो गया और दूसरा जो है रिसोर्सेज का जो है क्या होना शुरू हो गया, फ्रिक्वेंटली यूज होना शुरू हो गया. तो जब ऐसी स्टेज आई 1960 में, जब वेस्टर्न वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था, तो उन क्या एक अवेयरनेस आई उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर. और ये जो है अवेयरनेस आई थ्रू द पब्लिकेशन द पॉपुलेशन बॉम्ब ऑफ एंड्रिज इन 1968, द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोज एंड अदर्स इन 1972. ये इन लोगों ने क्या किया, तो ये जो ये एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने एनवायरमेंट को लेकर जो है अपनी वॉइस रेस की कि जैसे जैसे हम एक्सेलरेटेड रेट से डेवलप कर रहे हैं, ये दैट इज रिड्यूसिंग द एनवायरमेंट बैलेंस. एनवायरमेंट बैलेंस को रिड्यूस कर रहा है, हमारा अर्थ जो है वो एक डेंजर जोन की तरफ जा रहा है. एंड दे प्रेजेंट द सिनेरियो फॉर द मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट अंडर अ ब्रॉड फ्रेश
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ से एक नया मॉडल जो है डेवलपमेंट का आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक चीज हमने कहा कि कोई भी कंट्री स्टेप बैक नहीं करेगा, तो इट मीन्स रिवर्स सिचुएशन में हम जा नहीं सकते, दैट विल नॉट बी कॉल्ड डेवलपमेंट। इट मीन्स हम डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे, तो इट मीन्स हमें स्टेप इन तो करना होगा, एक स्टेप आगे तो जाना होगा, लेकिन वो जाया किस तरीके से जाए जिससे कि हमारी एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये सारे इश्यूज जो हैं फर्दर रेज किए गए यूनाइटेड नेशंस, इन सब इश्यूज को उठाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड WCED, जिसे नॉर्वेन के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलेम ब्रुंटलैंड ने लीड किया। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। अब वर्ल्ड में इस बढ़ते हुए एक्सेलरेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसको ब्रुंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, बिकॉज इट दिस कमीशन वाज हेडेड बाय द हैरलेम ब्रुंटलैंड, और इस रिपोर्ट को एक टाइटल दिया गया आवर कॉमन फ्यूचर, क्योंकि ये किसी एक कंट्री से कंसर्न नहीं था, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो पूरे वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम है, सो दिस इज एंटाइटल्ड एज Our Common Future in 1987. इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें, अपनी जरूरतों को इस तरीके से भी करें कि हम प्रेजेंट में तो अपनी जरूरतों को पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो भी अपनी नीड्स को इसी तरीके से फुलफिल कर सके जैसे कि आज हम कर रहे हैं। तो इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया, तीनों एस्पेक्ट्स की तरफ जो है स्पेशल केयर करने की जरूरत थी एज इन द प्रेजेंट टाइम और आल्सो इन द फ्यूचर। सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एनेबल द फ्यूचर जनरेशन टू यूज दीज रिसोर्सेज, इट टेक्स इन टू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो आज का टाइम है, यानी हम प्रेजेंट डे में जिसमें जी रहे हैं, हम अपनी जरूरतों को तो पूरा करें ही, साथ साथ वी हैव टू स्टोर दीज रिसोर्सेज फॉर आवर कमिंग जनरेशन ऑल्सो, दे मस्ट नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, अदरवाइज दे विल बी स्टेप बैक इन देयर इकोनॉमिकली और सोशल लाइफ, and that would not be lead to the development. So they also have the same resources for their development, and this concept is related to the whole human community, whole human beings, so it is like our common future. Clear? Now the rest of the chapter, the second case study about Indira Gandhi Canal Command Area, we will discuss it in our new lecture, next lecture. Thank you and have a nice day.